तुम मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। और कहते हैं बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, चमन के लिए। और आप लोग का तालियों का स्वागत चाहूंगा। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। धन्यवाद। तो मैं हूं आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त एलकेवीडी कॉलेज ताजपुर में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं स्वच्छता को लेकर जो है यहां पे एक प्रोग्राम है, और आप देख सकते हैं सामने जो है नगर परिषद की जो है चेयरमैन यहां पे जो है पहुंच चुकी हैं, आप देख सकते हैं सामने। और इस प्रोग्राम को जो है अभी तुरंत जो शुरू कर दिया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे चेयरमैन साहिबा जो है जा रही है। आइए अंदर का वो हाल दिखाते हैं आप लोगों को, कैसी तैयारी है। हर्ष 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 जय हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय। दोस्तों आप देख सकते हैं एलकेबीडी कॉलेज ताजपुर में दोनों तरफ जो है यहाँ पे जो है स्टूडेंट है वो अभी जो है मुख्य अतिथि का जो है यहाँ पे स्वागत के लिए साइड से खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ के बच्चों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं सामने, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल के लाइन में खड़े हुए, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां लेकर, स्वच्छता का रखिए ध्यान, स्वच्छता का रखिए ध्यान, स्वच्छता से देश बनेगा महान। क्लीनिंग इज नॉट अ स्पेक्टेटर, दोस्तों इसका मतलब समझ रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब होता है कि सफाई में खड़े होकर देखने से काम नहीं चलेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सफाई करना दर्शकों का खेल नहीं है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ जो है एलकेबीडी कॉलेज के ग्राउंड में हाथों में तख्तियां, डीपीएस के स्टूडेंट के हाथ में, आप देख सकते हैं सामने काफ़ी कुछ नए लुक में यहाँ पे जो डीपीएस के जो स्टूडेंट दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं दोनों तरफ, और अभी अभी जो है यहाँ पे जो नगर परिषद के चेयरमैन जो है यहाँ पे आ चुकी हैं, और आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो लगातार दोनों तरफ लाइन में खड़े हुए हैं एलकेबीडी कॉलेज के कैंपस में। और आइए आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ होने को है। सामने देख सकते हैं सचिन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद ताजपुर, और बच्चों के द्वारा जो यहाँ पे प्रदर्शनी जो बनाई गई है उनके बारे में उनको समझाते हुए ये देख सकते हैं सामने जो है चेयरमैन साहिबा। ये आप देख सकते हैं सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे सामने खड़े हैं, उनके टीचर्स खड़े हैं। ये क्या हो रहा है कि जब सनसेट वाइट चौक खुद ब खुद ये सूरज की रोशनी ढलने से क्या होगा, ये स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी, और सनलाइट होने से क्या होगा कि ये अपने आप बहुत पावरफुल, जिससे हमारा सेविंग एनर्जी होगा। दूसरा हम लोग ये शो करना चाह रहे हैं कि सपोज दैट अगर मान लेते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में 50 स्ट्रीट पोल में अगर हर एक पोल दो बल्ब रहता है तो हमारा एनर्जी होता है 100 1000 किलोवाट एनर्जी क्या होता है। अगर मान लेते गवर्नमेंट अगर 1 यूनिट का 5 से 10 रुपया या 15 रुपया चार्ज करता है तो अराउंड हमारा दिन भर में 500 से 1000 का खर्च हो रहा है। अगर इसको मंथ में Good evening to everyone. I am Saif Ali from Delhi Public School, Tajpur.
इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक ग्रीन सिटी को दिखाना चाहा है और ये बताना चाहा है कि हमारा बिहार भी एक स्मार्ट सिटी बन सकता है। इस सिटी में हम सभी ने ये दिखाना चाहा कि आप देख सकते हैं इसमें कितनी हरियाली है। अगर हम लोग अपने घर के बाहर सिर्फ एक पेड़ भी लगाएंगे तो उससे कितना ऑक्सीजन जनरेट होगा, और जो व्हीकल्स रोड के साइड में चलते हैं, अगर रोड के साइड में भी प्लांटेशन ऑफ ट्री होगा तो वहाँ पर भी हमारा क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर आएगा। और तो और आप देख सकते हैं कि इसमें एक सर्किट डिज़ाइन किया गया है। ये सर्किट बताना चाह रहा है कि अगर जैसे कि शाम हुआ तो अंधेरा आया, और अंधेरा आते ऑटोमेटिकली जो लाइट्स है वो स्विच ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही रोशनी आएगी दिन में जो लाइट होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ आपको, देखिए सेंसर ने जो है वो डार्कनेस को डिटेक्ट किया और यहाँ पर जो है वो लाइट अपने आप जल गया, और जैसे ही यहाँ पर वापस से लाइट आया वो वापस से बंद हो गया, ये देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। और इससे हम लोग अपने आप को अपना जो एनर्जी है उसको बहुत हद तक सेव कर सकते हैं, और इन फ्यूचर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, हम लोग किसको, एक और जो प्रोजेक्ट है उसको भी देख लीजिए। अलग जो प्रोजेक्ट है उनको जो है उनके बारे में बच्चों से जानने की मुख्य अतिथि जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाद जो है अब संत मैरी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो है यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है उसको जो है यहाँ पे चेयरमैन साहिबा के सामने जो और पालक पदाधिकारी सचिन कुमार साहब के सामने जो है यहाँ पे बच्चे जो है एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ है कैसे। सेंसर है, जब रात होगा तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा, और सुबह जब होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगा। और यहाँ पर सेंसर है, सेंसर नॉट वर्किंग राइट नाउ, जिसमें रात में ऑटोमेटिकली जल जाएगा। कैसे जलेगा? यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर सनलाइट जैसे ही पड़ेगा ना तो हाँ ये ऑफ हो जाएगा। बहुत अच्छा, तालियां। सेफ वाटर का सिस्टम है, और इसमें बताया जा रहा है कि कैसे सिटी में फ्लड आएगा और अलार्म शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ से पानी जा चुका है सिटी में, और अब पता चलेगा कि कैसे फ्लड आया। यहाँ देखिए अलार्म ऑन हो गया, इससे पानी के टंकी में ऊपर के अलार्म में फ्लड आते हैं, सिटी में फ्लड। बहुत अच्छा, पानी का आयतन ऊपर आएगा, इसमें सेफ वाटर है। ये फार्म, ये फार्मर का ये ग्राउंड है, ये फार्मर का हाउस है। जैसे भी कोई भी जैसे फार्मर है ना, कल्टीवेट करता है ये ग्राउंड में, और ये फार्मिंग जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें से गुजरेगा तो फार्मर अपने कल्टीवेशन को बचाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए उसको अलर्ट मिल जाएगा कि हमारे फील्ड में कोई गया है। जैसे देखिए ये गया, देखिए फार्मर अलर्ट हो जाएगा और आके ये अपना कल्टीवेशन बचा लेगा। जैसे सर वायर जो लगी हुई है उससे अगर कोई टच करेगा तो फार्मर ये इंडिकेट हो जाएगा और आके अपना कल्टीवेशन बचा लेगा। बहुत अच्छा, ये क्या है? ये इरिगेशन है, इरिगेशन बताइए। और ये डीसी जनरेटर है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। देखिए हम आपके सामने इसको चला के दिखाते हैं, इसमें लाइट बढ़ेगा, ये इसका विंड मिल है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट जल रहा है, जिससे जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक का कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, ताली मारिए। विवेक राज, बहुत अच्छा। इसके बारे में बताइए जल्दी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ मोहम्मद अतौला एंड आई एम फ्रॉम संत मैरी स्कूल। एज यू सी दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट टू द इरीगेशन सिस्टम एंड टेल अबाउट हाउ द इरीगेशन सिस्टम वुड बी हेल्प टू द आवर गवर्नमेंट टू सेव आवर इकोनॉमिक्स एज वेल एज दिस सिस्टम इज टेल अबाउट दैट। This system is tell about this, how does the industry make
make the pollution. From this industrial, the pollutions that make by the industrialized is utilized to make the utilized to help us for the irrigation system as well as. But like here, the industrials has using and they, that is where they producing the smoke as well as. And this smoke where is the smoke absorber is here. The smoke produced by the industrialization and the factory that is absorbed by the smoke absorber. And this smoke absorber is help us to the. Is a help us to the produce it means make as a carbon as well as a irrigation pesticides for the agriculture and is help us to makes the soil fertility as well as like this system. This is the here is given the roads. Nice. Yes. Thank you. आप लोग बहुत सा प्रोग्राम किए, ऐसे ही मेहनत कीजिए, अगली बार हम लोग ब्रांड ग्रैंड करेंगे और आपको बड़ा मौका देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट जो है वो अभी प्रोग्राम हॉल में जो एलकेबीडी कॉलेज का जो प्रोग्राम हॉल उसमें जो है अभी इंटर कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे जो है 250 के लमसम में जो है और टोटल जो है इनवाइटेड जो है 500 जो है स्टूडेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद है बच्चे का आप देख सकते हैं यहाँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोग्राम हॉल में सारे बच्चे जो अपना अपना सीट पकड़ लीजिए जल्दी से थैंक यू वेरी मच प्लीज आप बैठ जाए आप जानते हैं कि ऑडिटोरियम को देख रहे हैं इसलिए क्लिप शुरू करते हैं We have on stage मुख्य पार्षद जी अनीता देवी जी और कार्यपालक अधिकारी श्री सचिन कुमार जी अलोंग विद जजेस मैं जजेस से भी आपको रूबरू करवाऊंगा परिचित करवाऊंगा आज का कार्यभार इन्हीं के ऊपर सौंपा गया है जो बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल में नहीं है तो कृपा करके उनसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को लेकर के वो नीचे प्रस्थान करें और नाश्ता का आयोजन किया हमारे मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी सभी प्रधानाध्यापक सभी बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस पावन अवसर पर यहाँ प्रयोग कर रहे हैं आइए स्वच्छता ही सेवा 2024 जो है 17 सितंबर से चलाया गया है और 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छ भारत दिवस मनाने का फैसला किया गया है अगर आप इस वर्ष का थीम देखें तो इस थीम में लिखा हुआ है कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इसका कहने का मतलब यही होता है कि जो स्वच्छता वाली है बातें हैं वो हमारे संस्कार में बस जानी चाहिए और संस्कार से पहले जो प्रोसेस होता है उसमें पहली प्रोसेस होता है आदत आदत जो है हम लोग रिपीटेटिव कामों से बनता है जैसे आपके पेरेंट्स सिखाते हैं कि हमें खाने से पहले ब्रश करना चाहिए उसी तरह से वो सिखा सकते हैं कि हमें डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए और भी आदत बनाने के लिए आपके पेरेंट्स आपके टीचर ये समाज और हमारा विभाग भी इसके लिए प्रयासरत है कचरे को अलग अलग करना है और इसी के साथ धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन जी को देता हूँ फिर से और तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना विलंब किए विदाउट सॉन्ग सो हियर वी गो फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम डीपीएस दासपुर और वेलकम सॉन्ग और बच्चों का ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं थोड़ा सा एक और दरख्वास्त करूँगा Oh,
परिषद द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसमें ताजपुर नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और गांधी जी के आदर्शों को साकार करना था। इसी कार्यक्रम में 30 सितंबर को LKBD कॉलेज के सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ताजपुर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद आर्मी डांस और बेटी बचाओ नामक नाटक जैसी प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई, जिन्हें दर्शकों ने विशेष रूप से सराहा। बेटी बचाओ नाटक ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया, वहीं आर्मी डांस ने देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। इसी दिन मैराथन का आयोजन भी LKBD कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी आयोजित किया गया, जो मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में दिखाऊँगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर की ओर से प्रस्तुति बेटी बचाओ नाटक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि आर्मी डांस ने दूसरा पुरस्कार जीता। इसके अलावा मैराथन में अंडर 16 वर्ग के विद्यालय के छात्र सूरज कुमार ने 7वां स्थान हासिल किया। विद्यालय के निदेशक श्री मसूद हसन को भी उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया। यह पूरा कार्यक्रम न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा, बल्कि बच्चों और समाज के बीच एक प्रेरक संदेश भी दिया। ताजपुर नगर परिषद और दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर के संयुक्त प्रयास ने यह कार्यक्रम को एक शानदार सफलता साबित किया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर शिक्षा और समाज सुधार का संकल्पबद्ध मिशन उसके पास है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर ने अपनी स्थापना से ही शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया है। यह विद्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि एक व्यापक मिशन के तहत समाज सुधार और जागरूकता फैलाने के कार्य में जुटा हुआ है। इस विद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा देना नहीं है, बल्कि छात्रों को समाज के प्रति जागरूक नागरिक बनाना है, ताकि वे समाज में व्यापक कुरीतियों और चुनौतियों का सामना कर सके और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सके। स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की दिशा में 28 सितंबर 2024 को दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर के छात्रों ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। करीब 250 से 300 बच्चे ताजपुर में स्वच्छता रैली निकाली, जिसका उद्देश्य समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस रैली में शामिल बच्चों ने शहर की गलियों और बाजारों में कचरा इकट्ठा किया और स्वच्छता का महत्व लोगों तक पहुंचाया। रैली में छोटे छोटे बच्चों ने स्वच्छता ही सेवा है के नारों के साथ लोगों को यह संदेश दिया कि सफाई केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। क्लीनिंग इज नॉट स्पेक्टेटर स्पोर्ट। इस स्वच्छता अभियान का आयोजन विद्यालय ने इस उद्देश्य से किया कि समाज में सफाई की आदत को प्रोत्साहित किया जा सके और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। बच्चों ने विभिन्न स्थानों पर कचरा उठाने और उसके निपटारे के सही तरीके को दिखाते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अभियान से यह स्पष्ट हो गया कि विद्यालय के छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना कितनी गहरी है। यह पहल न केवल छात्रों के लिए एक अनुभव था, बल्कि ताजपुर के निवासियों के लिए एक जागरूकता का संदेश भी था। सांस्कृतिक कार्यक्रम बेटी बचाओ, आर्मी डांस और समाज सुधार के दिशा में योगदान 30 सितंबर 2024 को LKBD कॉलेज के सभागार में ताजपुर नगर परिषद द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। विद्यालय के बच्चों ने आर्मी डांस और बेटी बचाओ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए, जिसमें दर्शकों में समाज सुधार और जागरूकता की भावना उत्पन्न हुई। बेटी बचाओ नाटक ने समाज में बेटियों की सुरक्षा और उसके अधिकारों की आवश्यकता पर जोर दिया। मेरी प्यार
यह नाटक समाज में व्यापक लैंगिक भेदभाव को उजागर करता है और लोगों से बेटियों के साथ समानता का व्यवहार करने की अपील करता है। बच्चों ने इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया कि बेटियां समाज का अभिन्न हिस्सा है और उसके बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। इस नाटक की प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और समाज में एक सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा करने की कोशिश की। वहीं दोस्तों आर्मी डांस ने देशभक्ति और सैनिकों के त्याग की भावना को दर्शाया। इस नृत्य के माध्यम से छात्रों ने यह दिखाया कि हमारे देश के सैनिक किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस नृत्य ने दर्शकों के मन में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना और प्रबल किया। बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक कर दिया और सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के दिशा में पहल। दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर ने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया। विद्यालय का मानना है कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के बिना छात्रों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इस दिशा में विद्यालय ने एक विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जिसमें छात्रों ने अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पेश किए। इन प्रोजेक्ट्स ने यह साबित किया कि छात्र केवल किताबों का यह समर्पित नहीं है इन प्रोजेक्ट ने यह साबित किया कि छात्र केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि वे नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा दिखाने के सक्षम हैं। विद्यालय के छात्रों को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के साथ जोड़ने के लिए उत्कृष्ट फैकल्टी उपलब्ध कराई गई है। शिक्षकों का उद्देश्य छात्रों को न केवल शिक्षा देना है बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने जिन प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया उनमें उनकी रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्याओं के समाधान की क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय का उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। और यहाँ पर जो है वो लाइट अपने आप जल गया और जैसे ही यहाँ पे वापस से लाइट आया वो वापस से बंद हो गया, ये देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। और इससे हम लोग अपने आप को अपना जो एनर्जी है उसको बहुत हद तक सेव कर सकते हैं और इन फ्यूचर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। वहीं बता दें आपको कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर एक मिशन के रूप में है। जैसा कि मैं खुद जान रहा हूं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है बल्कि यह एक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना है। विद्यालय का मानना है कि शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए बल्कि यह समाज में व्याप्त कुरूतियाँ और समस्याओं को समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम होनी चाहिए। इस दिशा में विद्यालय पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। विद्यालय का असल मकसद है कि ताजपुर का हर नागरिक शिक्षित और जागरूक हो और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए। इसके लिए विद्यालय छात्रों को केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा तक सीमित नहीं रखता है बल्कि उन्हें समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी काम करता है। विद्यालय का मानना है कि स्वच्छता, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर यह प्रयास कर रहा है कि ताजपुर के हर घर में शिक्षा का महत्व समझा जाए और हर नागरिक स्वच्छता और समाज सुधार की दिशा में अपना योगदान दे, चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, संस्कृति कार्यक्रम हो या फिर विज्ञान प्रदर्शनी। विद्यालय हर पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और वे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सके। इस वीडियो से निष्कर्ष तो यही निकला है कि शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार का संकल्प। दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे एक विद्यालय शिक्षा के समाज सुधार की दिशा में काम कर सकता है। यह विद्यालय केवल छात्रों को शिक्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस विद्यालय का प्रत्येक प्रयास इस मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में है कि ताजपुर का हर नागरिक जागरूक, शिक्षित और समाज सुधार की दिशा में सक्रिय हो, चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा। दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर हर कदम पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।